सो व्हाट्सअप गाइज, दिस इज आर्यन। आज आपके वीडियो में बहुत ही खतरनाक चेंजेस जो कि बजाज कंटिन्यूसली अपने वेरिएंट के साथ करता जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन कुछ भी कर रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा हो रहा है। मेरे को क्या लगता है, इस बार अगर बजाज ने पल्सर 160 साथ खिलवाड़ किया है तो लगता है 150 में कन्वर्ट करे। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो, मेरे सामने पल्सर 150P जो कि 160N जो कि N160 बजाज पल्सर 160 था, उसका एक कन्वर्जन मोड लाया है। जस्ट लाइक वो अपने आप को जो जिस तरह से बजाज पल्सर ने अपना जो CC में वेरियस डिफरेंसेस लाए हैं, उस बात पे मैं आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने आया हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास बहुत सारे बजाज पी का 150 मॉडल आया है, जो कि आपके पास केवल आपके पास क्या होता था बजाज में, क्या होता था बाइक्स केवल और केवल आपके पास होते थे कि आपके पास एक बजाज का 150 बाइक था, जो कि पहले ज़माने में ना क्योंकि यहाँ पे N लगा हुआ था, ना कि यहाँ पे P लगा हुआ है, ना कि यहाँ पे R या कुछ भी, बजाज पल्सर 150। बट आए कुछ दिनों में बजाज ने अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा एक रिस्क लिया, उसने CC के साथ खिलवाड़ किया। मेरे को लगता है कि उसने एक अच्छा कमबैक किया है मार्केट में। वैसे तो उसने बजाज के पल्सर के साथ ही अपना कैमबैक करता है हमेशा, क्योंकि बजाज में ना ही कोई गाड़ी डिस्कवर प्लेटिना सिटी 100 या फिर आप लोग जो भी कहो विक्रांता भी सब कुछ बंद हो गया, रिवेंजर पल्सर 220 यहाँ तक यहाँ बंद हो गया है। तो पल्सर 160 एज यूजुअल आई कैन सी दैट द पल्सर 160 एज नो अवेलेबल इन द मार्केट। बट द सिचुएशन इज हियर व्हाट, कि बजाज ने यहाँ पर क्या किया, अपने CC के साथ कैसा खिलवाड़ किया। उसने पहले क्या किया, अपना 150 लॉन्च किया, उसके बाद हायर वैल्यूएशन की तरफ गया 200 RS, फिर आ गया था आपको अवेंजर में 220 क्रूज, बहुत सारे डोमिनार 250, डोमिनार 400। उसी तरीके से बजाज ने, मेरे को नहीं लगा था कि एक्सपन अनएक्सपेक्टेड था कि उसने 150 के साथ खिलवाड़ किया, बट उसने 125 ला दिया। तो बजाज 150 से अब 125 से पर आ चुका है। लेकिन बजाज यहाँ पे भी रुका नहीं, उसने क्या किया कि बजाज 160N नया लॉन्च किया, जो कि 160 जो पल्सर 150 काफ़ी अच्छा दमदार बाइक थी, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा धूम मचाया था। लेकिन बजाज ने यहाँ पर क्या किया, बजाज ने यहाँ पर अपना 160 को बंद किया, उसके बाद फिर 160N लाया, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे मैं आप लोग KTM का बोलो, यामाहा का MT-15 ले लो, या फिर हीरो का R ले लो, XR, उन सब के कंपेरिजन में बजाज ने भी अपना अच्छा कदम लाया कि 160 लाया, N160। बट यहाँ पर उसने एक नया चेंज लाया है, 160 को भी उसने लोअर वेरियंट में मोल्ड दिया, जो कि अपना सेम मॉडल है, सेम सब कुछ सेम है, जस्ट लाइक यहाँ पर डिस्प्ले, कॉन्सोल, बाकी बस जो डिफरेंट इज दैट उसने अपना CC के साथ खिलवाड़ किया, यानी कि जो 160N है अब उसको अब वो P150 में लॉन्च कर दिया, जो कि आप मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हो। तो ये बजाज का एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगा ये गाड़ी बजाज, जो बजाज अपना पल्सर के साथ हमेशा करते आ रहा है। बजाज में अगर पल्सर है तो बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल है, अगर उसने पल्सर को ही नाम बंद कर दिया तो वो शायद सीरियस ट्रबल में हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या कर रहा है, लेकिन मैं इसके लिए पूरा फुल रिव्यू लाया हूँ इस वीडियो का, लाऊंगा अगले वीडियो में। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो चैनल लाल वाला बटन को आप तोड़ दो, फोड़ दो, जो कर दो, तो आपको अगला वीडियो मिलने वाला है।